रहता ओनर, ओनर तो ओनर से बाहर रहना पड़ेगा। इनके कह रहे हैं कि नोटिस दी है, एक बार मीडिया में नोटिस को दिखा दो कि 7 दिन पहले इन्होंने नोटिस दिया और हम लोगों में से किसी ने, मेरे जिया जी ने होटल में से किसी ने भी रिसीव किया हो, ये तो मेरा हक है ना। निकलो आराम से, बोलो कैसे ऊंची बोले हो फिर आप कर प्रशासन ने बैंक्वेट हॉल पर पीला पंजा चलाया। परिवार मौके पर पहुंच गया और कहा कि प्रशासन की यह कार्यवाही गलत है, इससे बढ़िया तो हमें मार दो। 3 मंजिला होटल को तोड़ा। डीटीपी से बहस करने वाले एंटी करप्शन के प्रधान को पुलिस ने जिप्सी में डाल दिया। क्रिमिनल्स की अवैध बनी प्रॉपर्टी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी पर पीला पंजा चलते हुए एनडीपीएस केस में सजा हो चुके एक आरोपी का होटल तोड़ने प्रशासन और पुलिस पहुंच गई। परिवार मौके पर पहुंच गया। करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। कोई भी यहां पर हमारे पास रेगुलरली कंप्लेंट्स आ रही हैं। देखिए कई बार लोग राइटिंग में अपना नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन वर्बल कंप्लेंट्स भी काफी आ रही हैं। जो भी कंप्लेंट्स आ रही है उसके ऊपर हम कार्रवाई, कमर्शियल प्रॉपर्टीज या कुछ भी ऐसे है उसके ऊपर कार्रवाई। अगर कोई कंप्लेंट किसी इंडिविजुअल गरीब के मकान की आएगी तो मैं सोच लूंगा, क्योंकि हमने एक पॉलिसी लेकर आए हैं, सरकार लेकर आई है, उसके ऊपर अभी हम कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन तोड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज होटल्स जो है बिना सीएनजी के चलें उसके ऊपर तो हम कार्रवाई करेंगे जी। और जो भी पुलिस के पास भी इसकी ऐसी रिपोर्ट्स हैं तो कंबाइंड एफर्ट करेंगे। तो सर किस, क्या नाम है इसका और किस केस में सजा हो चुकी है? देखिए वो सीए स्टाफ भी आपको बता देगा, कोई रिंकू सुखदयाल है, एनडीपीएस केस में इनके काफी केसेस हैं और पंजाब या हरियाणा में मेरा कलेक्टिव है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट है वो ठीक है, वो एक लिंक हो सकता है। लेकिन हमारे पास अगर कोई कंप्लेंट देगा कि यहाँ पर गलत कंस्ट्रक्शन होकर पिछले चाहे 5 साल से हो 10 साल से हो, है तो अवैध है। अगर नियमित नहीं है, बिना सीएलयू के चल रहे हैं, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आज एस डीटीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हम इस पर, तो सर पक्का करने को लेकर भी आपकी तरफ से शुरुआत की गई है, तो ये लोग भी अपनी पक्का करवा सकते हैं? देखिए करवा लें सीएलयू ले लें, लेकिन सीएलयू लेना पड़ेगा तो अगर हमें उनको एक हफ्ते का नोटिस भी दिया था, कोई जवाब दें, डेमोलिशन ऑर्डर भी पास किए थे, आज सुबह 10 बजे हमने इनको वेकेशन का भी नोटिस दे दिया था कि आप वेकेट कर लें, तो 10 से अभी आप 1 बजे 3 घंटे का टाइम दिया है, तो अगर वो अपनी प्रॉपर्टी में वेकेट करना चाहते हैं कुछ भी सामान निकाल, तो सर सामान अभी तक निकाला नहीं, बड़े बड़े लाखों रुपए के झूमर हमने उसको 10 बजे वेकेशन नोटिस पेस्ट करवा दिया था, रिसीव करवा दिया था, 3 घंटे हो गए, अभी भी अगर सामान निकालने का टाइम लेंगे दे देंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन बिल्डिंग जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इसमें जो कंबाइंड एफर्ट पुलिस के साथ है वो इम्प्लीमेंट करके जाएंगे। एक केस में इसको सजा भी हो रखी है और काफ़ी केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। काफ़ी टाइम से ये एनडीपीएस का काम कर रहा है, समय और दूसरे चिट्ठा वगैरह बेचने का काम करता है, क्योंकि इसके खिलाफ पहले से काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। अब भी लोग जैसे वर्बली भी हमारी दूसरी सॉफ्टवेयर से भी पता लगता है कि इसी जो एनडीपीएस का जो ये काम कर रहा है अभी भी उसी का कंडीशन लिस्ट है लगातार ये। और एक कंप्लेंट डीटीपी साहब के पास आई थी कि इसने अवैध कंस्ट्रक्शन करके इस तरीके से पैसा कमाते, यहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन की है और इसमें ये इसी तरह की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है इन एक्टिविटीज़ में, होटल में भी, तो अब इसको भी तोड़ा जाएगा, नष्ट किया जाएगा। इसको भी बिल्कुल डीटीपी साहब आए हैं, साथ में हम भी हैं
और अवैध कंस्ट्रक्शन है, इसको पहले से नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद भी एक हफ्ते का इनका नोटिस था, उसके बाद भी इन्होंने खाली नहीं किया। आज भी सुबह 10 बजे एक नोटिस दिया था, सुबह 10 बजे हम आए थे, इनको कहा था कि सारा सामान जो है वो बाहर निकालें। अभी 1 बज गया है, अब ये कार्रवाई शुरू कह रहे हैं कि नोटिस दिया है, एक बार मीडिया में नोटिस को दिखा दो कि 7 दिन पहले इन्होंने नोटिस दिया और हम लोगों में से किसी ने, मेरे जिया जी ने होटल में से किसी ने भी रिसीव किया हो, ये तो मेरा हक है ना। ये तो मीडिया के सामने बात हो रही है, 7 दिन आपका इतना पुराना होटल है, आके तो मुकदमा हो गया, फिर कर ले जो करना है। इन्हें करोड़ों रुपया लगा, बेकार जान दिया है, सारा शहर अनलीगल है, सारा शहर तोड़ दो, बना कर रहा है। तहसीलदार का पर्चा करो, जिन्हें रजिस्ट्री की है, जिस बंदे ने बेची है जमीन प्लाट कटे ने, ओदा भी पर्चा करो, म्युनिसिपल कमेटी दे सचिव दा करो, जिन्हें बिजली दा मीटर दिता है ओदा भी पर्चा करो। गाड़ी जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनके परिवार की बात भी ठीक है। अब सरकार का कहना ये है कि जहां जहां हरियाणा में कार्रवाई देख रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स की जिनकी प्रॉपर्टी है उनको नष्ट किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? गलत है, पैसे बनी है उस चीज का कोई नोटिस, कोई केस चलिया भी नशे के नाल बने की प्रूफ है गवर्नमेंट को ਉਹਦੀ ਮਿਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਬ ਜੇ ਤੋ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ